गर्लफ्रेंड के लिए रूम देने से किया इनकार, तो रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। आपको बता दें, धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके में नेशनल हाईवे 3 की सर्विस रोड पर राजाखेड़ा बाईपास मोड़ के पास स्थित रेस्टोरेंट में बीती रात को गर्लफ्रेंड के लिए रूम नहीं देने पर उत्पाती युवकों ने पथराव कर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। रेस्टोरेंट संचालक कमलजीत सिंह ने बताया कि सोमवार मंगलवार की रात करीब 10 बजे एक युवक रेस्टोरेंट में आया और उसने पहले दूध मांगा, जिस पर उसने दूध नहीं मिलने की बात कही। इसके बाद उसने गर्लफ्रेंड के लिए रूम देने को कहा, जिस पर रेस्टोरेंट संचालक ने मना किया, तो युवक आक्रोशित हो गया और फोन करके उसने कुछ लड़कों को बुला लिया। इसके बाद उसने लड़कों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में पथराव कर तोड़फोड़ की, जिससे रेस्टोरेंट के शीशे टूटे तथा अन्य नुकसान हुआ। वहीं अचानक हुए पथराव से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में हड़कंप मच गया, जिससे वह डर की वजह से मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक मौके से भाग चुके थे। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर पुलिस ने पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक की तहरीर पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं कमलजीत सिंह, स्पाइसी किचन का ऑनर हूँ। मेरे यहाँ पर एक लड़का आया अभी काउंटर पे, आकर के वो बोला यहाँ दूध मिल जाएगा क्या? मुझे दूध नहीं मिलेगा। अरे दूध नहीं रखते हो? नहीं साहब, दूध तो नहीं है हमारे यहाँ। हमने कि बस स्टैंड में मिल जाएगा हलवाइयों के यहाँ। तो फिर बोला कि मेरी भी गर्लफ्रेंड आएगी, मुझे एक रूम चाहिए, रूम मिल जाएगा क्या? मैंने हमारे यहाँ रूम कोई नहीं है। तो अरे मुझे रूम चाहिए। हमने कि भाई साहब रूम नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर वो गाली गलौज करने लगा। हमने कि गाली गलौज मत करो, बोले जानते कि मुझे कृष्णा गुजर कहते हैं। हमने जो कि तो भाई साहब आप कृष्णा गुजर हो तो मैं कमलजीत सिंह हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप जाइए, मेरे यहाँ खाने वाले बैठे हुए हैं। वो गाली देता हुआ बाहर निकल गया। बाहर जा कर के उसने फिर एकदम फोन लगाया। हमने भी उसको कहा भाई साहब बाहर निकलो। हमने बाहर निकाला तो उसने फोन लगा के एकदम जो कि जल्दी आ जाओ स्पाइसी ट्रीट पर, आज इनकी ऐसी तैसी करनी है। वो मतलब गाली गलौज करने लगा बहुत बुरे तरीके से। इतने में 2-3 मिनट के अंदर ही लड़के आ गए, उन्होंने हमारे शीशे वीशे तोड़ दिए। जितनी भी पब्लिक बैठी थी, जो खाना खा रहे थे, सब दौड़ दौड़ के हमारे छत की तरफ, घर की तरफ चले गए और उसने तोड़ फोड़ की। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। 4-5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। जब तक वो हमारे शीशे वीशे तोड़ करके और लोगों में पत्थर पत्थर मार के एकदम भाग गए 7-8 लोग थे।